एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है वो क्या होने वाला है। मतलब जो पुराना सिलेबस था अभी तक, मतलब कि 5 यूनिट्स 20 मार्क्स ईच, वही है या फिर कुछ डिफरेंट है। सो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। नाउ शुरू करते हैं हमारे सिलेबस के साथ। सुसी, अब आपके पास एक महीने का भी टाइम नहीं बचा है एंड अभी भी काफ़ी सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि एग्ज़ाम में एक्चुअल में आने क्या वाला है। तो जो सिलेबस पहले था अभी भी वही है। हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम ईच यूनिट। अब जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो मैं क्वेश्चंस बोल रही हूँ ये ही आएंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें से कुछ नहीं आएगा या फिर ये पक्का आएंगे। इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप प्रीवियस 2 ईयर्स के या फिर 3 ईयर्स के पेपर्स को चेक करोगे ना, आपको दिखेगा कि इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो दिस थिंग मेक्स द टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट। नाउ हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिट का बाइफर्केशन किस तरीके से किया है इन्होंने और हर एक यूनिट का क्या क्या वेटेज है। सो टोटल 5 यूनिट्स हैं आपके इस एग्ज़ाम के अंदर और हर यूनिट का वेटेज है 20 मार्क्स। ओके, सो 20 मार्क्स से मतलब क्या है मेरा कि 20 क्वेश्चंस आएंगे इसमें। आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है तो टोटल आपका 400 का पेपर हो जाता है, जिसमें से कि 1 मार्क है नेगेटिव मार्किंग। करेक्ट आंसर करोगे 4 मार्क्स मिलेंगे और अगर अटेम्प्ट ही नहीं करते हो तो 0 मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर जो यूनिट 1 है आपकी, वो है आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो यूनिट 1 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, तो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपने थोड़ा बहुत 11th में भी पढ़ा है, 12th में भी पढ़ा है और बीकॉम ऑनर्स में आपने फर्स्ट ईयर के अंदर ये किया होगा, फर्स्ट सेम के अंदर। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़े थे जैसे अमेलगमेशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, गुडविल हो गया, पार्टनरशिप हो गया, रेवेन्यू रिकग्निशन का कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी। तो इन टॉपिक्स में क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ हुआ था, क्या टर्म्स यूज़ हुए थे, क्या प्रोविजंस थे, वो आपको पता होने चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इस टॉपिक में आपके जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, नंबर्स, यस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 क्या है, 10 क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है हर साल, तो आपको अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे पता होने चाहिए। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतने सारे हैं कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि भाई हम क्या क्या याद करें, इतने सारे थोड़ी ना याद करेंगे बैठ के। तो आपको सब कुछ याद नहीं करना, आपको देखना है कि भाई 11 से लेकर मेरा ग्रेजुएशन तक मैंने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, जो टॉपिक्स मैंने पढ़ रखे हैं उनके क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो मुझे पता होना चाहिए। उसके बाद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, वो आप एक बार रिवाइज भी करके चले जाओगे तो वो हो जाएगा आपका। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इम्पॉर्टेंट है आपके पास। फिर आपके पास आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। नाउ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें की थी। सबसे पहले तो आपको जो डिफरेंट कंपनीज है जैसे होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, इसको आप कंपनी लॉ का भी पार्ट मान सकते हो, इसका भी मान सकते हो, पर आपको इनके सेक्शंस पता होने चाहिए और इन कंपनीज़ के फीचर्स पता होने चाहिए। जैसे 1 पर्सन कंपनी है तो उसके क्या फीचर्स हैं, कौन सा जो सेक्शन है कंपनीज एक्ट का वो इसके अंदर आता है। फिर अगेन आपके जो डिफरेंट टॉपिक्स थे इसमें आपका मेनली यही आ सकता है कि कंपनी के फीचर्स क्या हैं। आप ऐसा मत सोचना कि आपका एक बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन वो देने वाले हैं और आपको वो सॉल्व करने वाला है, नहीं, वो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन का वेटेज सेम है, 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है, तो किसी भी क्वेश्चन को इतना बड़ा नहीं देंगे जिसमें कि आपका पूरा टाइम निकल जाए। उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका जो पीवी रेशियो वाला कॉन्सेप्ट था वो पूरा चैप्टर, जो पीवी रेशियो था और आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट था, सेल्स एनालिसिस था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आप मान लो कि 1 या 2 क्वेश्चंस तो पक्का आएंगे,
तो ये तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, चाहे वो वेरिएंस वाला पार्ट हो। आप ये मान लो कि इस यूनिट में से जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप एक्सेप्ट कर सकते हो ना, वो इस कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूनिट से कर सकते हो, क्योंकि इसी के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पी वी रेशियो बोला, उसके बाद वेरियंस के अलग अलग फॉर्मूलाज थे हमारे पास। अगर हमने जैसे लेबर वेरिएंस किस तरीके से निकालना है, आपके पास मटेरियल वेरिएंस, ओवरहेड्स क्या होते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है आपके पास, पीरियड कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। अब आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग की या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक देखोगे, उसके अंदर समरीज रहती हैं चैप्टर के एंड में, तो उसमें सारे फॉर्मूलेज दिए रहते हैं। तो आप कोशिश करो, सी सब कुछ रटना इज़ नॉट ईजी एंड नॉट पॉसिबल, पर आप फिर भी कोशिश करो कि जो मेन मेन चीज़ें हैं, जब आप टॉपिक पढ़ते हो ना, आपको अपने आप पता चल जाता है कि भाई इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। मतलब एग्जामिनर अगर मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो वो क्या पूछ सकता है इस यूनिट में से। आप अपने आप से पूछो कोई एक टॉपिक कंप्लीट करके कि भाई मुझे क्या पता चला इस टॉपिक से, क्यों पढ़ा मैंने ये टॉपिक, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें रेलिवेंट पार्ट क्या है। तो आपको सिर्फ वो वाले पार्ट्स देखने, क्योंकि यू डू नॉट हैव दैट मच टाइम कि भाई आप सब कुछ पढ़ लोगे। एंड ट्रस्ट मी, आप जब अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े आई डोंट नो, पर अकाउंटिंग और आपके कोई सा भी ये सब्जेक्ट हो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो इस टाइम पे जब आप पढ़ने बैठते हो ना, जब आपके पास एग्ज़ाम का बर्डन नहीं है, मतलब जो आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं उनका बर्डन नहीं है, तो आपको ये सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे और आपका ऐसा मन करेगा कि भाई मैं सारा का सारा अभी पढ़ लेता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है और हमें बहुत सारा कंटेंट कवर करना है, तो हमें चीज़ें सिलेक्टिव स्टडीज़ करनी पड़ेगी कि भाई मुझे क्या पढ़ना है और क्या मेरे को छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में आपको टाइप्स पता होने चाहिए, कंपनीज़ पता होने चाहिए, टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स पता होने चाहिए, अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है ऑडिटर्स की वो पता होने चाहिए, और प्रिंसिपल्स वगैरह क्या है वो पता होने चाहिए। ये आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है इसको, बस आप एक बार ऊपर ऊपर से चीज़ों को देख सकते हो, ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आप वहाँ पर एक गेस वर्क भी हो जाएगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो। उसके बाद है सेकंड यूनिट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड टैक्सेशन इंक्लूडिंग जीएसटी। ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यूनिट मुझे लगता है, क्योंकि मुझे बिजनेस स्टैट्स सी, मैं जब ग्रेजुएशन था मेरा उस वक्त मैंने बिजनेस स्टैट्स ऑप्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे फॉर्मूलेज याद करने में दिक्कत होती थी, तो मैंने वो नहीं किया था, मैंने उसकी जगह एडवर्टाइजिंग किया था। बिजनेस मैथमेटिक्स चॉइस नहीं थी तो मुझे पढ़ना पड़ा था वो, और टैक्सेशन भी कंपल्सरी था तो वो भी पढ़ना पड़ा था। पर जब मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे बिजनेस स्टैट्स किया था तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, तो ये वाली यूनिट स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस मैथमेटिक्स से आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पता होने चाहिए, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं, एक आपने लियोंटिव प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन आता है इसके अंदर, वो पता होना चाहिए आपको, इनपुट आउटपुट, इस तरीके के कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। नाउ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को ऐसे वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देंगे कि भाई आपको उन्होंने कुछ दिया और आपसे कहा कि इसको डिफरेंशिएट करके दिखाओ, नहीं, वो आपको क्वेश्चन देंगे। सपोज उन्होंने आपको मार्जिनल कॉस्ट दे दिया और आपसे पूछा कि भाई इसका टोटल कॉस्ट क्या होगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन से लगाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें इंटीग्रेशन होना चाहिए या फिर डिफरेंशिएशन होना चाहिए। एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस थे ना इसके अंदर वो आएंगे, ठीक है। तो इसमें हो गया मैट्रिसेस, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये ही आपके ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में से भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, मतलब एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा सा आता है वो इसके अंदर, सिमिलर टू मैट्रिसेस ही होता है, बट ठीक है, ओके। उसके बाद है आपके पास बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन मीडियन मोड सारे पता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना थोड़ा सा, प्रॉपर्टीज़ पढ़ लोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा, मतलब आपको इजी हो जाएगा अगर बाय चांस मान लो कोई क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी लगानी हो, वरना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, मीन डिविएशन क्या है आपके पास, रेंज कोएफिशिएंट और मीन डिविएशन जो है आपके पास, कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो गए आपके पास, ये वाली जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स नंबर से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिलते हैं, बट स्टिल आप
आपको पढ़ के जाने में से कोई बुराई नहीं है। 11th क्लास की बुक उठाना, उसमें जितनी भी चीज़ें दे रखी है ना उनको एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। और अगर आप अपने ग्रेजुएशन की बुक उठाते हो तो इन दैट केस आपको पता होना चाहिए सैम्पलिंग क्या है, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल लिमिट थ्योरम आई डोंट थिंक सो कि वो देंगे आपको, ठीक है, पर आप मत देख लो उसको, ठीक है। पर एफ टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। टैक्सेशन में लास्ट है आपके पास GST, एंड इसी में आप इनकम टैक्स भी लेके चल सकते हो। मैंने पहले भी आपको काफ़ी बार बता रखा है कि इनकम टैक्स से मेजरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक तो मैंने एक वीडियो बना रखी है डिडक्शन वाली, उसको देख लेना अच्छे से। प्रोविजंस ज़्यादा ना भी याद रखो तो कम से कम आपको सेक्शंस तो पता होने चाहिए कि भाई जैसे ATC है तो वो किस लिए है, ATD है तो वो किस लिए है, ये सारे सेक्शन आपको डिडक्शन वाला पूरा पार्ट आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप एक बार देख लोगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके अलावा आपको देखना है इस साल का जो बजट, रीसेंट बजट, उसके अंदर इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी चेंजेस आए हैं वो आपको पता होना चाहिए। सिंपल गूगल करो इनकम टैक्स बजट 2022 और वहाँ पर फिर कॉमर्स और जो टैक्सेशन वाला पार्ट है उसमें जाके देखो कि भाई डिविडेंड में कुछ चेंज आया है क्या, TDS में कुछ चेंज आया है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अब हम आते हैं इको पे। तो इको इंक्लूड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स। देखो रीसेंट डेवलपमेंट्स में आपके पास इतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अगर होगा तो कोई वो बहुत ही कोई रीसेंट चीज़, मतलब आप कह सकते हो करंट अफेयर्स में से कुछ ऐसा दे सकते हैं, वो आपसे इनडायरेक्ट पूछेंगे कि भाई वहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है तो इससे मान लो PPC पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मतलब कोई टेक्नोलॉजी आप लेके आए हो अपनी कंट्री के अंदर तो PPC कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस वो आपको, मतलब वो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। पर माइक्रो एंड मैक्रो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन इको से काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अगेन जो आपकी 11th की या फिर 12th की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक थी उसको अच्छे से पढ़ो, प्रोडक्शन कर्व, उनके प्रॉपर्टीज़, रिलेशनशिप, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। मार्केट स्ट्रक्चर, 11th क्लास की बुक तो ऐसे ना लेके पूरा अच्छे से उसको रिवाइज कर लो, वो दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। सेम विथ माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसके अलावा, मतलब आपको अपनी 12th वाली तो बुक देखनी ही है, उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको ISLM कर्व पढ़ना, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेविंग वाला जो आपका एक कर्व है, ये ना आपने पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे। अगर आपके पास इसके नोट्स हैं वेल एंड गुड, नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लेना, वहाँ पर मैंने जो ISLM कर्व है उसके भी नोट्स दे रखे हैं, तो आप वो पढ़ो, काफ़ी आपकी जो क्वेश्चन वहाँ पर आएगा ना वो आपको ऑलमोस्ट हो जाएगा उसी से। तो ये था इको में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नाउ हम बात करते हैं 4th यूनिट की, जो कि है आपके पास जनरल मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आपको पता होने चाहिए, बिजनेस प्लान क्या होता है वो आपको पता होने चाहिए, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पता होने चाहिए आपको, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं आपको वो पता होना चाहिए, जैसे उसके बाद फंड रेज करने के क्या क्या तरीके होते हैं वो पता होने चाहिए आपको, वो बहुत आपसे डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है, पर जैसे एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं आपके पास, ओके, वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं आपके पास, ये आपको बेसिक नॉलेज, जैसे जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो ये बेसिक क्वेश्चंस है जो हमें पता होने चाहिए, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद है आपके पास कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगेन इसके अंदर काफ़ी सारे मॉडल्स दे रखे थे आपको, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक कैडबरी कमेटी थी, उसके आपको प्रोविजंस पता होने चाहिए। उसके बाद एक SOX क्या था वो, मैं नाम भूल रही हूँ उसका, सैब्रियन ऑक्सले एक्ट था, पता नहीं, मैं नाम भूल रही हूँ उसका, बट कुछ एक्ट्स हैं ऐसी जो आपको पता होने चाहिए, मॉडल्स आपको पता होने चाहिए। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसके किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो 3 पॉइंट्स उन्होंने दे रखे हैं आपको कि एक कंपनी जिसका टर्नओवर इतना इतना होगा, जिसका प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का इतना है, तो उसको 2%
कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए डोनेट करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद आता है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में से जैसे मैंने आपको पहले बोला, आपको कंपनीज के सेक्शंस पता होने चाहिए, कंपनीज के फीचर्स पता होने चाहिए। जैसे LLP है, उसका फीचर पता होना चाहिए। वन पर्सन कंपनी से लास्ट 2 सालों में 2 बार क्वेश्चंस आ सके हैं। ईजी क्वेश्चन थे, पर अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा होगा तो ऑफकोर्स आपको डिफिकल्ट लगने वाला है। उसके अलावा LLP के फंक्शंस हो गए आपके पास, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, इनके सेक्शंस और प्रोविजंस आपको पता होने चाहिए, ये इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं कि डायरेक्टर्स क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या है, कितने होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए, उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए इसके अंदर। बिजनेस लॉ बहुत इजी एंड बहुत स्कोरिंग। कंपनीज एक्ट जो है सबसे ज़्यादा, कंपनीज एक्ट नहीं सॉरी, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, आपके पास जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं आपके इंडियन, जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके पोर्शन क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है और मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मिस्टेक क्या होता है, इसमें आपको केसेस याद नहीं रखने हैं कि कौन से सेक्शन के लिए कौन सा केस था, वो याद नहीं रखना आपको। पर मेन मेन चीज़ें याद रखनी कि भाई जैसे मान लो सेक्शन 16 है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो किससे रिलेट करता है, फ्रॉड से, कोर्शन से, मिस्टेक से या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन से, वो आपको पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। और इसके अलावा आप जो बिजनेस लॉ है उसमें पढ़ते हो नेगोशिएबल एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, तो इसके जो छोटे छोटे फीचर्स आपको मिलेंगे वो आपको पता होने चाहिए। सिमिलरली ग्रेट्यूटी एक्ट वगैरह का भी आपसे पूछ सकते हैं। क्यों पूछ सकते हैं, क्योंकि देखो अगर इनकम टैक्स में कुछ भी चेंज आया होगा उससे रिलेटेड, तो वो यहाँ पर भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको कनेक्ट करने की कोशिश करनी कि अच्छा रिसेंटली कुछ ऐसा हो रहा है कि ग्रेट्यूटी से रिलेटेड हो रहा है, या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ रिसेंट कुछ डेवलपमेंट हुई है या फिर कुछ चेंज आया है। अगर आया है तो वो आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से वो आपका करंट अफेयर्स भी हो जाएगा और टॉपिक से भी रिलेट कर जाएगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आपको अच्छे से पढ़ना, उसको तो प्लीज़ छोड़ के जाना ही मत, ठीक है। उससे आप 2-4 क्वेश्चंस तो मान के चलो कि ये तो आने ही वाले। आफ्टर दैट जनरल मैनेजमेंट, ह्यूमन मैनेजमेंट में आप कुछ भी बोल सकते हो, जैसे किसी भी थ्योरी को पूछ लेंगे। आपने इतनी सारी थ्योरीज पढ़ रखी, चाहे वो मोटिवेशन की हो, चाहे वो लीडरशिप थ्योरी हो आपकी, आपने काफ़ी सारी थ्योरीज पढ़ रखी हैं और आपने मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गए, जैसे एक बार उन्होंने पूछ लिया था कि कौन सा जो इनमें से कौन सा ऑथर रिलेट करता है किसी पर्टिकुलर से, तो काफ़ी सारे उन्होंने ऑप्शंस दे रखे थे। तो आपको वो सारी चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो इसके लिए आई विल सजेस्ट यू कि या तो आपके पास कोई बिजनेस मैनेजमेंट की बुक हो, या फिर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट करके किसी किसी का सब्जेक्ट होता है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। आफ्टर दैट 5th यूनिट ईजीएस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, पर कंटेंट बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ये चारों ही सब्जेक्ट्स मोस्ट आप कह सकते हो कि ईजी सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट आपको यही यूनिट मिलेगी, पर इसका कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा ना पढ़ें। तो सबसे पहला है इसके अंदर इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में हमें पता होना चाहिए मोड्स ऑफ एंट्री क्या है इंटरनेशनल बिजनेस में। यहाँ पर भी काफ़ी सारी थ्योरीज आती है आपके पास, तो थ्योरीज़ के ऑथर कौन कौन है, वो थ्योरीज़ कब आई थी, ठीक है। जैसे कि एडम स्मिथ की कोई थ्योरी हो गई, या फिर टू फैक्टर थ्योरी हो गई, या फिर आपके पास कंपिटिटिव एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये काफ़ी सारी थ्योरीज हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मोड्स ऑफ एंट्री आपको पता होना चाहिए, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ग्राउंड फील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये कुछ चीज़ें हैं दैट वी शुड नो। उसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये भी सबसे ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर इसमें भी हमें नहीं जाना है, ज़्यादा मॉडल्स नहीं है इसके अंदर, पर हमें प्रोडक्ट क्या होता है वो पता होना चाहिए डिटेल्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट की मैं बात करूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग हमें पता होने चाहिए। मैंने एक वीडियो भी बना रखी है उसकी, जिसमें मैंने 5 या 6 जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, वो सारे अच्छे से डिटेल में कर रखे हैं। तो आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इस पर्टिकुलर कौन से कॉन्सेप्ट के अंदर
जो ऑर्डर्स हैं वो बल्क में प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है, सेलिंग है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो वो हमें पता होना चाहिए। फिर जो 4 P's हैं ऑफ मार्केटिंग, किसने दिए थे वो, 7 P's किसने दिए थे, फिर ऐसे 4 C's हैं ऑफ मार्केटिंग, वो किसने दिए थे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। नेम्स हमें ऑथर्स के पता होने चाहिए, जैसे इतना इजी तो नहीं पूछेंगे कि हु इज़ द फादर ऑफ मार्केटिंग, बट मान लो 4 P's ऑफ मार्केटिंग किसने दिए थे, प्लेस प्राइस प्रमोशन वाला वो किसने दिया था। ओके, ऐसे ही एक बार मैनेजमेंट में से भी आया था, ठीक है, जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, पॉस कॉल करके जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो किसने दिया था, ठीक है। उसके बाद यू हैव मार्केट प्राइसिंग, प्राइसिंग के अंदर जो टाइप्स ऑफ प्राइसिंग है वो इम्पॉर्टेंट है। कोई सा भी एक टाइप ऑफ प्राइसिंग वो दे देंगे और आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं, जैसे प्राइस स्कीमिंग हो गया, या फिर इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्राइसिंग भी मैंने अपने किसी वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप वो भी देख लेना, एक मार्केटिंग मैनेजमेंट के MCQs से रिलेटेड वीडियो थी, उसके अंदर मैंने पूरा डिटेल में टाइप्स ऑफ प्राइसिंग सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रखे हैं। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो एक वेज प्लान था वो हमें पता होना चाहिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल हमें पता होना चाहिए क्या क्या होता है, जनरली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है वो हमें पता होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या क्या हम करते हैं वो हमें पता होना चाहिए, इसका भी डिटेल्ड वीडियो आई हैव शेयर्ड विद यू गाइस। ट्रेनिंग कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होती है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हमें पता होना चाहिए, कॉम्पनसेशन किस तरीके से आप डिटर्मिन करते हो, वेज प्लान जो मैंने अभी बोला, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है 360 परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जब भी आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हो तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो आपसे एग्जाम में भी वो ऐसे ही बेसिक चीज़ें पूछने वाले हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सी मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था ये टॉपिक, क्योंकि अगेन इसके अंदर काफ़ी सारे फॉर्मूलेज आ जाते थे, बट स्टिल अब एग्ज़ाम है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने इसके अंदर क्या किया था, फॉर्मूलेज यस ऑफ कोर्स देखे थे, जैसे प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है आपके पास, ओके, फ्यूचर वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्काउंटिंग क्या होता है, इन सब चीज़ों को मैंने पढ़ा था। क्यों पढ़ा था, क्योंकि बिजनेस मैथमेटिक्स के अंदर भी ये पार्ट है और यहाँ पर भी ये पार्ट है, तो वो ज़रूर इसको देंगे, ठीक है। तो जैसे वहाँ पर भी आपका कुछ कंपाउंडिंग से कुछ क्वेश्चन आ सकता है बिजनेस मैथमेटिक्स में, यहाँ पर भी आ सकता है, तो आपको पढ़ना तो है इसको। इसके अलावा रिस्क एंड रिटर्न क्या होता है, जो काफ़ी सारे मेथड्स हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, मेथड्स के नेम्स पता होने चाहिए, बेसिक फीचर्स पता होने चाहिए, कैपिटल बजटिंग क्या होती है, सिम वेस पता होने चाहिए, मेथड्स पता होने चाहिए कि क्या होता है, टाइप्स वगैरह। फिर उसके बाद आता है आपके पास लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज क्या होती है ये चीज़ें, ठीक है, इनका फॉर्मूला क्या है वो हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा कैपिटल बजटिंग के अंदर जैसे कुछ रेलेवेंस मॉडल थे, कुछ इररेलेवेंस मॉडल थे, किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था बहुत बेसिक क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा रेलेवेंस मॉडल नहीं है। एंड देखो जब आप पढ़ते हो ना, जब आप एक साथ पढ़ते हो तो बहुत इजी हो जाता है कि हाँ ये रेलेवेंस है, ये इररेलेवेंस है, बट जब वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बेसिक हमें ये नहीं आता रहता कि भाई रेलेवेंस का मतलब क्या था, किस चीज़ को रेलेवेंट बोल रहे हो, किस चीज़ के रेस्पेक्ट में बोल रहे हो। तो आपको ऐसी चीज़ों में डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब एक क्वेश्चन से ना आपका एक नंबर से आपका एडमिशन हो भी सकता है और आप पीछे भी रह सकते हो। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना कि हमें बाद में पछता हो कि यार ये वाला क्वेश्चन सही कर देता ना तो मैं मेरा एडमिशन हो जाता। ओके, तो हमें पढ़ना है, नोट्स बनाकर पढ़ना है, बिना नोट्स के पढ़ोगे ना तो चीज़ें ऐसे गायब हो जाएंगी। आई नो टाइम नहीं है, बट जो पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो ताकि वहाँ पे जाके कुछ चीज़ें ढूंढ ना जाओ। ओके, सो दिस वाज इट, ये था आपका पूरा डिस्कशन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से रिलेटेड। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो पोस्ट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।